सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश जी राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट में मैंने कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ पाया हूं। पढ़कर लेकिन सही बात बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री जी भी हैं। हमारा एक सुझाव है, जितने बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं उनको बिजली फ्री मिलती है, उनके यहां भी मीटर लगा दिया जाए, बिजली फ्री दें, मीटर लगा दें, किसी को बिजली, लेकिन उनसे जीएसटी लिया जाए, उनसे भी जीएसटी लिया जाए, और जो मीटर रीडिंग का काम प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया है वो सरकारी टेक्निकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज को दे दिया जाए। धांधली हो रही है सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें धांधली हो रही है, और गरीब कमजोर 20,000-25,000 रुपया, क्योंकि आधार कार्ड लेकर के स्मार्ट मीटर लगा फ्री में, तो गरीब सोचा कि अब फ्री में मिला था बिजली का बिल तो देने नहीं है, अब उस साल दो साल चार साल पांच साल ऐसे बिल नहीं दिया, अब उसके यहां बकाया आ गया। गांव के गांव कनेक्शन गरीबों के काट दिए जा रहे हैं, और मान्यवर 5 लाख 10 लाख बकाया वाले लोगों का कनेक्शन नहीं कट रहा है। इस पे भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है, बंद हो गया है, अब बिजली कट गई, अब रात को खाना खा रहा है तो पता लगा मुंह में जाने के तक एम चल जा रहा है। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, इसका निदान जरूर करा दें, क्योंकि गरीबों का सवाल है। दूसरा सवाल है माननीय हमारे वित्त मंत्री जी, जरा ध्यान इधर करिएगा प्रभु, वो हमेशा कार्य में लीन रहते हैं। साथ ही किसी के पिता की मृत्यु के बाद जब वरासत होती है तो नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि हो जाती है। सामान्य बजट के ऊपर आप माने तो ठीक रहे, न्याय की बात है, न्याय विभाग है, इसमें लगा आप कहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन सामान्य बजट हम बजट का तैयार रहे हैं मान्यवर, तो सुन तो लीजिए। आप बताइए प्लीज, पिता की मृत्यु के बाद जब वरासत हो रही है तो कहीं त्रुटि हो जा रही है, तो जिसकी त्रुटि हो जा रही है वो दौड़ते दौड़ते साल दो साल दौड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि मान्यवर संविधान के राजस्व संहिता अधिनियम की धारा 38(1) में व्यवस्था है कि गलती को सुधार किया जाने की व्यवस्था है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका जूता किया जा रहा है, चप्पल फेंका जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और तीसरा सवाल मान्यवर, अभी हमारे वर्मा जी जो बोल रहे थे, हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, एक हाई कोर्ट का मामला है मान्यवर, हाई कोर्ट दो बार भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया, लेकिन अभी उस पर संज्ञान, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर मिला था, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये प्रस्ताव हम दिल्ली भिजवा देंगे, ये उत्तर प्रदेश के बस का नहीं है, लेकिन इस प्रस्ताव को हम दिल्ली भिजवा देंगे। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, जरा इस पे विचार करते हुए इसको, इस प्रस्ताव को, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन होना चाहिए। और माननीय इसी सदन में सामाजिक न्याय समिति की बड़ी चर्चा हुई है, नियम 56 में बहस हुई, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रह गई। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा ध्यान इधर करिएगा, आपका ध्यान कागजे में ज्यादा रहता है, कम से कम हम लोगों की विपक्ष की बातों पर भी तो ध्यान दीजिए महाराज। हम थोड़े पार्टी ज्वाइन कर लेगा, अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं, हम सपा उपा के चक्कर में नहीं रहते। इधरिया जो नहीं गिनती देखा था ना, जो गिनतिया देखा था, ओम प्रकाश राजभर का मन बड़ी भूमिका है, वो इतना मत सोचिएगा।
अरे ठीक है, घबरा मत, आपस में बातचीत नहीं, आपस में मेरा निवेदन, मेरा एक मिनट, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, मान्यवर जो भी बात कहनी है मुझसे कहिए, आप डायरेक्ट आपस में कोई बात नहीं, आपको आप भी शांत रहिए ना, देखिए आपने छेड़ा तो उन्होंने बोला, आप बोले नहीं नहीं गलत बात, आप ही बोला हल्ला कर रहे हैं, आप माननीय ओम प्रकाश जी आप विषय पर आइए प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी आप विषय पर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर आपने भी आश्वासन दिया था और अभी तक वैसे ही पड़ा है, चलिए धन्यवाद, उस पर ध्यान करिए, चलिए ओम प्रकाश जी धन्यवाद, आपका पांच दिन में चलेगा महाराज, जरा वक्तव्य दीजिएगा, आप अपना विचार रखिएगा तो थोड़ा समय सीमा निर्धारित करिएगा, ये एसटी का जो हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, फैसला नहीं आदेश है, आपकी बात उन्होंने प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजे, धन्यवाद, इस पर भी थोड़ा हमारी तरफ से वकील बनिए, धन्यवाद ओम प्रकाश जी।